हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बनारसी फ्रूट स्टिक, जो कि बहुत ही हेल्थी और टेस्टी है। हम इसमें कई तरह के फ्रूट से बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम यहाँ पे बनारसी फ्रूट स्टिक बनाने वाले हैं, जो कि कई तरह के फ्रूट को मिक्स करके बनेगा। आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। इसमें आप फ्रूट घटा बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्थी और टेस्टी बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है और क्या क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है तरबूज के पीस, जो कि हमने इसे एक शेप में नहीं कट किया है। इसके त्रिकोण, चौरस, कई तरह से शेप में कट करें। फिर हमने यहाँ पे सकाटेटी यानी खरबूजे लिए हैं, पपैया हमने लिया है दो तरह से कट करके यानी कि पपीता, मिंट लिप्स लिए हमने, बेसिल तुलसी लिया है, अंगूर लिए हैं हमने। अंगूर के दाने हमेशा बड़े होने चाहिए फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं। फिर तरबूज को हमने बहुत से तरह से शेप में कट किया है। हमने इसकी पत्तियाँ बनाई हैं, स्माइल बनाए हैं हमने, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ अनार के पके हुए और थोड़े कच्चे, आधे पके आधे कच्चे दाने मिक्स लिए हैं। दही लिया है हमने, रोज सिरप लिया है, शहद लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, रेगुलर नमक हम जो खाने में यूज करते हैं उसे लिया है, काला नमक लिया है, आम पके हुए हमने यहाँ पे गोल शेप में कट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, आप सब देख सकते हैं। आप किसी भी तरह की प्लेट ले सकते हैं, फिर कोई भी लीफ ले सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। हमने यहाँ पे लीफ ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें, ताकि हमें फ्रूट पीस में इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अनार के जो दाने लिए हैं, हम उसे यहाँ पे थोड़े थोड़े जगह जगह डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे दिखने में लगेंगे। हमने जो यहाँ पे दही लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे दही मिक्स करने पे बहुत ही अच्छा आएगा और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। दही हमेशा गाढ़ी होनी चाहिए, आप इसका ध्यान रखें। फुल क्रीम वाली दही ही यूज करें, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा ये। फिर हमें इसे दोबारा अनार के दानों से डेकोरेट करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये अच्छे से चिपक गए अनार के दाने इसके ऊपर। फिर हमें चाहिए स्टिक, कम से कम 5-6 जो भी छोटे बड़े स्टिक हो आपके पास आप उसे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टिक ले ली है, आप देख सकते हैं छोटे बड़े मिक्स हैं। हमें इसमें चॉप करना है फ्रूट को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक स्टिक ली है और हमने इसमें जो हमारे तरबूज के कटे हुए टुकड़े थे हमने उसे ले लिया है। आप देख सकते हैं, हमें इसका ध्यान रखना है कि किनारे की जो साइड है हमें किनारे से नहीं, बीच से डालना है स्टिक को हमेशा। फिर आप कोई भी फ्रूट ले लें, हमने यहाँ पे पपैया ले लिया है दोबारा से। फिर हम यहाँ पे लेंगे खरबूजे, खरबूजे 3 तरह के आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर वापस हमने यहाँ पर लिया है जो कि हमारी पकी हुई केरी आम है, पके हुए हमने उसे ले लिया है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितना ही बढ़िया दिख रहा है और उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। फिर हमने यहाँ पे अंगूर के दाने लिए हैं, आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, उतना ही अच्छा खाने में भी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक स्टिक तैयार कर ली है। तो अब हम इसे यहाँ पर रख देते हैं प्लेट में, ये बिल्कुल ही अच्छे से चॉप हो गई है। अब हमने दूसरी स्टिक ली है, तो हमने यहाँ पे पपैया लिया है, आप चेंज करके लगाएं, इससे दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक जैसे ही फ्रूट एक जैसे नहीं रखें, आप आगे पीछे फ्रूट को करके रखें ताकि उसके कॉम्बिनेशन एक जैसे ना हो। फिर हमने यहाँ पे तरबूज को डाला है, केरी को हमने आइसक्रीम शेप में, बाउल शेप में कट किया है, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे खरबूजे लेंगे, फिर हम यहाँ पे पपैया लेंगे फ्रेंड्स,
जो कि स्टिक हमारी बड़ी है उसके अनुसार हम यहाँ पे ले रहे हैं। फिर हम यहाँ पे अंगूर के दाने को लेंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना ही बढ़िया है। फिर से हमने यहाँ पे तरबूज ले लिया और ये बिल्कुल ही अच्छे से फिर से तैयार हो गई ये दूसरी स्टिक हमारी। इसी तरह से हमें सभी स्टिक तैयार करनी है, आप देखते रहिएगा। हमने फिर से यहाँ पे खरबूजा ले लिया है फ्रेंड्स और स्टिक में डाल दिया है। हम यहाँ पे तरबूज ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे पपीते को लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से द्राक्ष डालेंगे। फिर हमने पपीते को लिया है। कोई भी फ्रूट एक शेप में ना हो ताकि उसकी कटिंग जो है बहुत ही अच्छी लगती है इसमें दिखने में। आप देख सकते हैं हमने एक जैसे फ्रूट को कट नहीं किया है। आप किसी भी तरह से इसे कट कर सकते हैं ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि हमने तीसरी भी स्टिक तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ी दही से डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ही डालें, बहुत नहीं डालें, साइड में डालें, कहीं थोड़ी थोड़ी डाल दें। एक जगह जो इकट्ठी हो गई हो उसे आप साइड में ले लें, इससे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा हमारे स्टिक फ्रूट। आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे फिर से चौथी स्टिक ले लेंगे और अब हम यहाँ फर्स्ट टाइम डालेंगे केरी यानी कि मैंगो, हमारे जो पके हुए हैं। आप कच्चे भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसे ले लें। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा सा बन के तैयार हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप इसे कभी भी बना सकते हैं अगर फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो तो। और ये हेल्थी भी है, सुबह नाश्ते में आप यूज कर सकते हैं, बच्चे के टिफिन लंच बॉक्स में आप रख सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने चौथी स्टिक भी तैयार कर ली है। अब हमें पाँचवीं स्टिक लेनी है, हमने पाँचवीं स्टिक भी ले ली है। अब यहाँ पे तरबूज लिया है फ्रेंड्स, फिर हमने पके हुए आम को लिया है, फिर हमने तरबूज को लिया है, फिर हमने यहाँ पे पपैया लिया है यानी कि पके हुए पपीते, फिर हमने आम को लेना है। आप किसी भी तरह से स्टिक में इसे रख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है दिखने में और खाने में भी बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ही मार्केट जैसी बन के आपके घर में तैयार हो जाएगी ये स्टिक और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप सब देख सकते हैं हमने लास्ट स्टिक को भी डेकोरेट कर लिया है, सभी फ्रूट को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे गार्निश करेंगे ऊपर से। फ्रेंड्स अब हम इसे गार्निश करेंगे। हमने यहाँ पे जो अनार के दाने आधे कच्चे आधे पके लिए हैं आप उसे ले लें और इसे अच्छी तरह से फिर से ऊपर से गार्निश कर दें, अच्छे से डाल दें ताकि ये सब जगह हो जाए। आप देख सकते हैं हमने सभी जगह इसे डाल दिया है। इसे फ्रूट से ही गार्निश करना है और थोड़े हमारे जो मसाले हैं उससे। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पे शहद लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो आप शहद को लाइनिंग से कोटिंग कर दें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं बहुत ही आराम से इस पर कोटिंग कर रही हूँ। आप अपने चम्मच में धीरे धीरे बारीकी से इसे गिराएं ताकि इस पर एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाए और ये बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाती है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, बिल्कुल ही मार्केट जैसी। आप देख सकते हैं हमें इसे बहुत फैलाना नहीं पड़ा, ये खुद ही फैल गया, अच्छे से हमने इसे कोटिंग की है। तो फ्रेंड्स
अब हमने यहाँ पे जो रेगुलर नमक हमारा लिया है, हम अपने हाथों को साफ रखेंगे और इसे अच्छे से पिंच कर लेंगे, जैसे कि हम सलाद में करते हैं। एक तरह से ये हमारा सलाद ही है, तो आप इसे जरा जरा कर लें। फिर हमने जो दूसरा काला नमक लिया है, हमें उसे यूज करना है इसमें। आप देख सकते हैं हमने इसे भी ले लिया है फ्रेंड्स, और अच्छे से डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे जो स्माइल बना के रखा था, आप देख सकते हैं, आप इसे यहाँ ले लें, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। हमें इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने तरबूज के छिलके साथ में ही थे, उसे कटिंग किया था। आप इसे फेंके नहीं, बहुत ही अच्छी डेकोरेट हो जाती है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बना लिया है, बीच से कटिंग करके छड़ी की सहायता से हमने इसकी पत्तियां बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है, हमने कितनी अच्छी लीप बनाई है। आप इसे बना सकते हैं किसी भी आकार में, शेप में, ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी बनाई है, तो इससे क्या है कि हमारे प्लेट में गार्निशिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और दिखने में ही बहुत ही प्यारा बना है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी डेकोरेशन करना चाहें सलाद वगैरह की, आप उसमें बना के कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं हमने एक रेड लीफ रखी है, एक ग्रीन लीफ रखी है, और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको डेकोरेशन कर देना है, और कितनी बढ़िया बनके आप देख सकते हैं तैयार हो गई है। फिर हमारे कुछ जो फ्रूट के टुकड़े हैं, हमें इसे इसमें रख देना है कहीं कहीं, तो हमने इसे रख दिए हैं। फिर फ्रेंड्स, हमने लेना है जो कि बेसिल यानी कि तुलसी, उसके पत्तों को अच्छे से तोड़ के हाथों की मदद से, आप इसे बहुत छोटे टुकड़ों में डाल देते हैं तोड़ के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं हमने इसके छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। फिर मिंट लीफ, सेम प्रोसीजर हमें वही स्टार्ट करना है, ऐसे ही तोड़ के डालना है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा, और जो शहद के साथ इसकी वाइंडिंग हुई है कोटिंग, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, आप इसे ज़रूर बना सकते हैं पार्टी वगैरह, कभी भी कहीं डेकोरेट करना हो आपको कोई कंपटीशन वगैरह में, स्कूल में बच्चों को, तो आप इसे ज़रूर बताएं बच्चों को। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। आप सब देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने इसे अच्छे से मिंट लिप्स और बेसिल से गार्निश कर दिए हैं, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। फिर हमने एक मिंट लिप लिया है पूरा, हमें इसे बीच में रख देना है। कुछ अंगूर के दाने हैं, आप उसे भी कहीं कहीं रख सकते हैं। कुछ हमने साकरटेटी यानी कि खरबूजे लिए हैं, उसे भी हमने कहीं रख दिया है। फ्रेंड्स, अब हम रोज़ सीरम लेंगे, यानी कि रोज़ सीरप आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, या ऑरेंज सीरप भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अब हमें इसे यहाँ डाल देना है, जैसे कि हमने शहद को डाला था। इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, आप बहुत ही आराम से डालें, ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि दिखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, तो खाने में सोचिए कितना ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इससे रोज़ सीरम से यहाँ पे गार्निश कर लिया है, आप सब देख सकते हैं हमारी गार्निशिंग हो चुकी है। फिर से हमें यहाँ पे काला नमक जो है, फिर से हमने ऊपर से यहाँ पे थोड़े थोड़े करके डालने हैं स्प्रिंकल, आप थोड़े थोड़े डाल दें। हमने यहाँ थोड़े थोड़े करके डाल दिए हैं काले नमक को। फिर हमने लेना है काली मिर्च का पाउडर,
जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब हमें इसे भी स्प्रिंकल कर देना है, काली मिर्च पाउडर को। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है, हमें उसे भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। तो हमें दोबारा से कोटिंग करनी है रोज सिरप से काली मिर्च पाउडर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमने फिर से रोज सिरप लिया है और इसे हमने डाल दिए हैं, जिससे इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। काली मिर्च की तिखास बहुत नहीं आई, इसके लिए हमें ऊपर से कोटिंग करनी ज़रूरी है, जिससे कि ये बीच में इसका टेक्सचर आएगा और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये हमारा वीडियो पसंद आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अगर आप बताते हैं आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मम्मी का वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।